हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक गुरु वल्या के बारे में, यानी जिसको इंग्लिश में रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। इसके कई नाम हैं, पहले आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ये कहाँ पर स्थित होता है थिली में, उसके क्या क्या इसके हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या इसका प्रभाव है हमारे जीवन के ऊपर। यह हमारा जो गुरु माउंट है यानी बृहस्पति माउंट, इसमें यहाँ पर कुछ लोगों के ऐसे एक रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम इंग्लिश में रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं और इसको हिंदी में गुरु वल्या या फिर रिंग ऑफ जुपिटर, विराग्या रेखा, बृहस्पति मुद्रिका, दीक्षा रेखा या गुरु मुद्रिका, काफ़ी नाम है इसके। तो इनके नाम से ही हमें पता चलता है कि यह जो रिंग ऑफ सोलोमन है, यह व्यक्ति का झुकाव रहस्यवाद और गुप्त विद्या की ओर करवाता है। यानी जिस किसी के हाथ में ऐसा रिंग बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और इनका झुकाव गुप्त विद्याओं की तरफ होता है। हस्तरेखा में रिंग ऑफ सोलोमन को काफी शुभ साइन समझा जाता है। यह रेखा जिस व्यक्ति के भी हाथ में बनती है, उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि उसका जो झुकाव होगा लाइफ में, वह स्पिरिचुअलिटी यानी कि धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा कि जिस किसी व्यक्ति के ये दो माउंट, यानी कौन कौन से माउंट्स की हम बात कर रहे हैं, एक तो गुरु बृहस्पति का माउंट और दूसरा चंद्र का माउंट, अगर उभरा हुआ हो बिना किसी गलत रेखाओं से, बिना किसी अशुभ रेखाओं के हो, उभरा हुआ हो, अच्छी स्किन टेक्सचर हो, और कह सकते हैं कि ऐसा माउंट होना काफ़ी शुभ माना जाता है। दोनों माउंट अगर हों तो बहुत शुभ माने जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को ज़िंदगी में हर फील्ड में प्रसिद्धि मिलेगी और वो जहाँ पर भी जाएगा उसको हाई सीट कह सकते हैं। जैसे कि मुख्य रेखा में उसको सीट मिलेगी, इज्जत मिलेगी, फर्स्ट सीट उसको ऑफर की जाएगी और उसको भगवान की भक्ति करने का और भगवान को जानने का मौका मिलेगा। तो ये तो थी दो माउंट्स की बात। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीज़ों को क्लियर करते हैं, एक बार इसको मिटा रहा हूँ। माउंट्स को हम कैसे चेक करते हैं कि ये माउंट हमारे लिए कैसा है। माउंट का साइज, यानी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जितना ये उभरा हुआ साइज, जैसे इतना साइज का माउंट है, ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और माउंट को देखने के लिए हम फिंगर्स की प्लेसमेंट, यानी फिंगर कहाँ पर सेट है, वह भी देखते हैं। यानी जैसे अगर सपोज किसी व्यक्ति की यह फिंगर्स, अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें, दोनों फिंगर्स ऊपर हैं और दूसरा तीसरा माउंट ऐसे नीचे की तरफ हो, तो जगह कम रह जाएगी उस माउंट के लिए और उस माउंट का प्रभाव कम होगा। इसके उलट अगर किसी व्यक्ति का माउंट ऐसे ऊपर की तरफ सेट हो, यानी उंगली, जो उंगली का जॉइंट है, ये जो लाइन यहाँ दिखाई दे रही है, ये थोड़ी ऊपर हो, तो उतना ही स्पेस ज़्यादा मिलेगा उस व्यक्ति के माउंट को और जितना बड़ा माउंट होगा उसका प्रभाव भी उतना ज़्यादा होगा। और आमतौर पर देखा गया है कि लोगों के हाथ में ये तीन माउंट ठीक होते हैं और आमतौर पर ये मरकरी माउंट काफ़ी नीचे होता है। तो जिनका मरकरी माउंट छोटा है होता है, वह बिजनेस में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते, इतना अच्छा बिजनेस में तरक्की नहीं कर पाते और मैथमेटिकल एबिलिटी भी उनकी कम होती है। तो हम बात कर रहे थे गुरु वल्या की, यानी कि रिंग ऑफ सोलोमन की। तो आइए जानते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं गुरु वल्या में जानने लायक। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों के हाथ में यह गुरु वल्या बनता है, वह काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, सिंपथेटिक होते हैं। तो कुछ चीज़ें और मैं ड्रा करके बताना चाहूँगा आपको गुरु वल्या के बारे में। एक तो चीज़ है गुरु वल्या, और दूसरा कुछ लोगों के हाथ में जो यह रिंग ऑफ सोलोमन होता है, गुलाई की जगह कुछ ऐसे सीधा होता है, तो यह भी रिंग ऑफ सोलोमन ही माना जाता है। कुछ लोगों के हाथ में ऐसे हार्ट लाइन से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी लाइंस होती हैं, इनको हम रिंग ऑफ सोलोमन यानी गुरु वल्या नहीं मानते। छोटे साइज़ की लाइंस होती हैं या कई बार ये लाइंस लंबी भी होती हैं, इनको सिंपथी लाइंस कहा जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ हार्ट की लाइन से जुड़ी हुई कुछ लाइनें, इस तरह आड़ी लाइनें बनी हों, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी सिंपथेटिक होते हैं, अच्छी नेचर के होते हैं और दोस्तों और लोगों के साथ इनकी काफ़ी ज़्यादा सिंपथी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरु वल्या के बारे में और डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि गुरु वल्या जो कंप्लीट होता है, कुछ इस तरह से एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनती है, प्रॉपर एक लाइन होती है।
इसके बारे में और जानते हैं क्या क्या बातें होती हैं। जिन लोगों के हाथ में ये रिंग होती है वो बहुत ही रहस्यवादी होते हैं और काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। अगर यह रिंग पूरी घुमावदार हो तो पूरा इफेक्ट देती है, अगर ये घुमावदार ना होकर बिल्कुल सीधी लाइन की तरह हो तो व्यक्ति सच की प्राप्ति के लिए पूरा लॉजिक लगाते हैं, पूरे लॉजिकल होते हैं, अपने लॉजिक का यूज़ करके किसी भी चीज़ की तह तक पहुंच सकते हैं, सच जान सकते हैं। अगर लाइन घुमावदार हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं, इनके अंदर गुरु या अध्यापक बनने का नेचुरल टैलेंट होता है। यानी ऐसे आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी ओहदे तक पहुंच जाते हैं, गुरु बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं, इवन के जज जो होते हैं या लॉयर होते हैं उनके हाथों में भी ऐसा रिंग ऑफ सोलोमन देखने को मिला गया है। गुरु माउंट पर उंगली के नीचे अगर सीधी एक रेखा हो, एक ऐसी लाइन भी बनती है, मैं दिखाता हूँ आपको बना के, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। यानी कि यह तो था गुरु वल्या, अगर इसकी जगह कुछ ऐसी एक लाइन हो यहाँ पे इस तरह से, इसको मैं रेड कलर में ड्रॉ करना चाहूँगा क्योंकि इसका इफेक्ट थोड़ा अलग होता है, इसको दीक्षा रेखा कहा जाता है। अगर ऐसे एक लाइन बनती हो, यह घुमावदार नहीं होती, अगर कुछ ऐसी लाइन बनती हो तो इसको दीक्षा रेखा कहा जाता है। और कहा जाता है कि ऐसे लोग हो सकता है कि लाइफ में आगे चलकर संन्यास ले लें, जिनके हाथ में ऐसे कुछ, यह भी काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और ऐसे व्यक्ति लाइफ में आगे चलकर संन्यास ले सकते हैं। हो सकता है ऐसे व्यक्ति कभी जिंदगी में शादी ही ना करें और एक ब्रह्मचर्या जैसी ब्रह्मचर्या लाइफ का ये जी सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये रिंग ऑफ सोलोमन पूरी तरह से बना हुआ है तो उसके इफेक्ट अलग हैं, अगर सीधी लाइन है तो यह दीक्षा रेखा कहलाती है। अगर किसी के हाथ में ये लाइन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिनके हाथ में ये रिंग होती है उन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। कहने का मतलब है जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों के हाथ में यह रेखा होती है और उन्हें कोई भी व्यक्ति गुमराह नहीं कर सकता, मिसलीड नहीं कर सकता। यानी उनका धर्म पर अगर विश्वास है तो इतना अटल विश्वास है, जिनके हाथ में पूरा ऐसे गुरु वल्या बन रहा है, अगर इनका धर्म पर विश्वास है तो पूरा कट्टर विश्वास है, तो इनको कोई कितना भी समझाए, कितना भी मिसलीड करने की कोशिश करे कि भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये कभी भी किसी की बात नहीं मानते और इनका विश्वास कोई तोड़ नहीं सकता, या अपने विश्वास पर अटल रहते हैं। इसके अलावा इस लाइन के साथ कुछ कॉम्बिनेशंस भी हैं और यह क्लियर साइन है कि व्यक्ति का रहस्यमय बातों से बहुत गहरा लगाव होगा, जिनके हाथ में भी ऐसी लाइंस बनेंगी। और जिन लोगों के हाथ में ये रिंग देखी गई है उन्हों यह काफ़ी रिसर्च करने वाले व्यक्ति भी होते हैं, और ऐसे व्यक्ति बहुत से राइटर्स के हाथ में ये देखी गई है जो रिसर्च करने के बाद, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिख दी और अपनी रिसर्च को उन किताबों में कह सकते हैं कि संजो कर रख दिया है, और ऐसे व्यक्ति काफ़ी लाइफ में कामयाब देखे गए हैं, बहुत ही समझदार लॉजिकल पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। तो सबसे मेन जो पॉइंट्स इसमें इस लाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो हैं, इस रिंग के होने से सबसे पहले तो व्यक्ति को विजडम मिलती है, समझ मिलती है, ऐसा व्यक्ति प्रोग्रेस करता है स्पिरिचुअल फील्ड में, यानी कि धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेता है। ज़्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, जज होते हैं, लॉयर होते हैं, जो हाई पोजीशन पर रहने वाले व्यक्ति होते हैं, इनके हाथ में ऐसा रिंग ऑफ सोलोमन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर जो हमारे ब्रीक रेशों से लाइन बनती हैं वो एक त्रिकोण बनाती हूँ, मैं आपको बना के बताता हूँ किसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इसके प्रभाव को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। मैं बताता हूँ आपको किस लाइन्स की बात कर रहा हूँ। अगर जो हमारा माउंट है, जुपिटर माउंट है, इसके ऊपर ब्रीक ब्रीक जो लाइन्स होती हैं या कुछ ऐसे चल रही हों इस तरफ को, आपस में जुड़ गई हैं ये लाइन्स, क्योंकि जो हमारा ड्रॉयर है काफ़ी मोटा है, यानी एक इस तरफ से और दूसरी लाइन्स कुछ इस तरफ से ऐसे चल रही हों, ब्रीक वाली लाइन्स जो होती हैं, और उसके बाद जो तीसरी इस साइड से लाइन्स हैं ऐसे चल रही हों, यानी कि ब्रीक लाइन से जो हमारी बहुत ब्रीक, जिसको हम फिंगरप्रिंट्स कहते हैं, वह लाइनें अगर ऐसे बनाकर एक बीच में जो त्रिकोण बन रहा है, यानी मैं इस त्रिकोण की बात कर रहा हूँ जो सेंटर में आपको त्रिकोण दिखाई दे रहा है, ऐसा अगर त्रिकोण बन रहा है जुपिटर माउंट पे, तो यह इस गुरु वल्या के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। इसको ट्राइरेडियल कहते हैं पामिस्ट्री में। अगर ऐसा ट्राइरेडियल किसी के हाथ में बन रहा है, यानी तीनों तरफ से लाइंस मिलके एक सेंटर में त्रिकोण बना रही हों, तो यह उसके प्रभाव को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है।
अब बात करते हैं गुरु वल्या के और कुछ कॉम्बिनेशंस की, यानी कि अगर गुरु वल्या के साथ साथ और भी निशान है हाथ में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ वीडियोस में कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर बृहस्पति माउंट पर क्रॉस का चिन्ह हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है, स्टार हो तो क्या इफेक्ट होता है, ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु वल्लय बन रहा है, रिंग ऑफ सोलोमन बन रहा है कंप्लीटली, और साथ में कुछ और चिन्ह भी ऐड हो रहे हैं, जैसे ये गुरु वल्लय है, थोड़े छोटे साइज में ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर सपोज एक गुरु वल्लय है और उसके साथ साथ एक स्क्योर स्क्योर का साइन बन रहा हो, यानी कि यहाँ पर कहीं पे भी एक छोटा सा स्क्वेयर बन रहा हो कुछ ऐसे इस ब्रीक लाइन से, तो इसका जो प्रभाव होता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कह सकते हैं स्क्वेयर जो होता है प्रोटेक्शन का साइन होता है, यानी जिस व्यक्ति के हाथ में गुरु वल्या के साथ साथ एक स्क्वेयर का चिन्ह बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति अपने धर्म पे अटल रहता है, उसके धार्मिक जो उसकी भावनाएं हैं उसको कोई भी बदल नहीं सकता और उसको कोई भी गुमराह करके उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता, उसके जो उसकी जो फीलिंग्स हैं उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। स्क्वायर का चिन्ह प्रोटेक्ट करता है, जहां पर भी कहीं पर स्क्वायर का चिन्ह हाथ में हो वह उस लाइंस को प्रोटेक्ट करता है। तो रिंग ऑफ सोलोमन के साथ अगर ऐसा स्क्वायर बनता है तो यह बहुत ही शुभ है। इसके बाद बात करते हैं अगर स्टार जुड़ा हो, यानी गुरु माउंट पर रिंग ऑफ सोलोमन भी बन रहा है और इसके साथ कुछ ऐसा छोटा सा स्टार, ये तो बड़ा बनाया है मैंने काफी, छोटा सा स्टार अटैच हो रहा हो, तो इस रिंग ऑफ सोलोमन की जो क्वालिटीज हैं ये 10 गुना बढ़ जाएंगी, यानी कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से चिन्ह हो सकते हैं इसके साथ। अगर कोई ट्राइंगल जैसा चिन्ह बन रहा हो रिंग ऑफ सोलोमन के साथ, यानी कि कुछ ऐसा चिन्ह ट्राइंगल यानी कि एक त्रिकोण इसके साथ जुड़ रहा हो, जैसे स्क्वायर से अलग एक दो लाइनों से मिलकर त्रिकोण बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति पॉलिटिकल फील्ड में बहुत कामयाब होते हैं, बहुत ही समझदार होने के साथ साथ ये पॉलिटिकल फील्ड में कामयाब होते हैं और कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं, जिस भी किसी पार्टी को या किसी संस्था को से जुड़ते हैं उसमें ये टॉप लेवल तक पहुंच जाते हैं। अगर रिंग ऑफ सोलेमन जो है ये कम्प्लीटली ड्रॉ ना हो, कम्प्लीटली पूरी तरह से ना बनी हो, यानी टूटी फूटी हो, यानी कि कुछ इस तरह की ऐसे बीच में गैप्स हो या धुंधली हो, पतली लाइन हो, तो ऐसी जो रेखा होती है कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअलिटी तो होगी लेकिन पूरी तरह से डेवलप नहीं होगी और कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी ऐसा रिंग ऑफ सोलोमन होना बुरा तो नहीं माना जाएगा लेकिन इसके इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं हार्ट लाइन के साथ इसके जुड़ाव की। अगर रिंग ऑफ सोलोमन ऐसे कंप्लीट बन रहा है, हार्ट लाइन इसको अगर टच कर रही है, यानी हार्ट लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और इसको टच करते हुए जा रही है, तो कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति की जो क्वालिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यानी अगर ये दोनों लाइंस आपस में टच हो जाएं, या यहाँ से शुरू हो हार्ट लाइन या कुछ भी हो, किसी तरह से भी हार्ट लाइन इसको आके टच कर जाए, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर इमोशनल क्वालिटीज और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ही सिंपैथेटिक होगा, डाउन टू अर्थ होगा, और हार्ट लाइन अगर कुछ इस तरह से हार्ट लाइन अगर ऐसे चलते हुए एक अपना ऑफशूट और देकर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर दे, तो ये बहुत पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही रहस्यवादी होगा, रहस्यमय चीज़ों में जानकारी रखेगा उनकी, और कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्ट हो सकते हैं, पामिस्ट हो सकते हैं, टेलीपैथी तक जानते हो सकते हैं। यानी इतने इफेक्ट्स एक हार्ट लाइन के जो ट्रायंगल बनाने से ऐड हो जाते हैं उस चीज़ में। तो इसके अलावा मैं जैसे पहले भी आपको बताया था कि रिंग ऑफ सलमन अलग चीज़ है, लेकिन जो दूसरी लाइन है जिसको हम सिंपथी की लाइन कहते हैं वो अलग चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ ऐसी लाइन्स हैं, सीधी लाइन्स हैं या ऐसी आड़ी कई रेखाएं हैं, इनको हम सिंपथी लाइन कहते हैं। यह जुपिटर माउंट पर आमतौर पर देखी जा सकती हैं। इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप कहीं कंफ्यूज मत होना रिंग ऑफ सोलोमन और सिंपथी लाइन में। सिंपथी लाइन अलग है और यह जो सिंपथी लाइन होती है व्यक्ति को बहुत ही सिंपथेटिक बनाती हैं, और यह सर्कल में नहीं होती, बिल्कुल सीधी और आड़ी रेखाएं होती हैं। तो
ऐसी रेखाओं का होना भी काफी अच्छा माना जाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर सिंपथी की भावना औरों के लिए काफी ज्यादा होती है। तो आज हमने इस वीडियो में जो चीज़ सीखी वो थी रिंग ऑफ सोलोमन। ये रिंग ऑफ सोलोमन की स्ट्रक्चर देखा हमने। रिंग ऑफ सोलोमन कुछ इस तरह से भी बन सकता है, गोलाई वाला भी हो सकता है, कुछ सीधी लाइन से भी बन सकता है। और एक चीज़ हमने देखी जो थी सिंपथी की लाइंस। ये जो लाइंस होती हैं, ये सिंपथी की लाइंस होती हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की रिंग ऑफ सोलोमन के बारे में, गुरु वल्या के बारे में, गुरु मुद्रिका के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर समय तो समय आता रहूं। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।